हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम एक टेप वॉर्म है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, टीनियासिस। ये जो टीनिया सोलियम है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और बीमारियां उत्पन्न करता है। चलिए आज हम सभी टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल देखेंगे कि ये किस तरह से अपने होस्ट बॉडी में ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर में ये किस तरह से अपना लाइफ साइकिल बिताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो टीनिया सोलियम है ये फाइलम प्लैटीहेलमिंथस से बिलोंग करता है। इट मीन्स कि ये है फ्लैट वॉर्म। ये क्लास सिस्टोडा, ऑर्डर इज टीनोइडिया, जीनस टीनिया एंड स्पीसीज इज सोलियम। टीनिया सोलियम को हम पोर्क टेप वर्म भी कहते हैं बिकॉज ये पिग में भी अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, पोर्क टेप वर्म। एंड दे आर एंडोपैरासाइट ऑफ मैन, और ये ह्यूमन बींग्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में रहकर भी बीमारियां कॉज करता है। हैबिट एंड हैबिटाट, ये जो टीनिया सोलियम है ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है, एक ह्यूमन बीइंग और एक पिग, इसीलिए इसे डाइजेनेटिक भी कहते हैं। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना। जो अडल्ट फॉर्म होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, ह्यूमन बीइंग्स में। वी आर प्राइमरी होस्ट, ह्यूमन बीइंग्स आर प्राइमरी होस्ट इन विच अडल्ट लीव्स इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड द लार्वल स्टेज, जो टीनिया सोलियम का जो लार्वा होता है वो पिग में होता है, पिग में अपना कंप्लीट करता है लाइफ साइकिल। और कभी कभी ये डॉग और शिप में भी देखने को मिलता है, बट मोस्टली दे आर लिविंग इन पिग। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो होते हैं ये वर्ल्ड वाइड हर जगह पे पाए जाते हैं, और खासकर वहाँ पे ऑन दोज एरिया जहाँ पे पिग को पाला जाता है एंड कंज्यूम्ड एज फूड। जो लोग पिग का मीट को खाते हैं, पोर्क को, उन लोगों में ये बीमारियाँ ज़्यादा होती है, और वैसे एरिया में जहाँ इसका पालन होता है वहाँ पे टीनिया सोलियम बीमारी जो कॉज करता है वो ज़्यादा होती है। मॉर्फोलॉजी, अब इसका अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो ये देखने में कैसा है। इसका कलर होता है क्रीमी वाइट, मोस्टली ये क्रीमी वाइट कलर का होता है। बॉडी इसकी लंबी हो सकती है 1 से लेकर के 5 मीटर तक की, और चूंकि ये फ्लैट वॉर्म है तो इसकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होगी और ये बिल्कुल टेप या रिबन के जैसा देखने में होगा। इसकी जो लंबी सी बॉडी है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट में डिवाइड होती है। एंड ईच सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है इसे प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, सेगमेंट्स को। तो ये जो इनकी पूरी बॉडी है, यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, तो ये सबसे जो आगे का पार्ट होता है दैट इज़ हेड और स्कॉलेक्स। फिर छोटे छोटे अनसेगमेंटेड एरिया जस्ट हेड के नीचे, स्कॉलेक्स के नीचे, इसे नेक कहते हैं। ये हो गया नेक। नेक जो होता है वो एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन होता है, क्योंकि नेक से ही बहुत सारे सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नए नए सेगमेंट्स हमेशा नेक में बनते हैं टेप वॉर्म में। और इनका जो हेड होता है, देखिए यहाँ पे हमें छोटी छोटी स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर, कांटेदार स्ट्रक्चर, हुक्स भी प्रेजेंट होता है जो कि होस्ट बॉडी में अपने आप को पकड़ने में हेल्प करता है। सकर्स भी प्रेजेंट है, ये सब होस्ट बॉडी में उसे पकड़ने में हेल्प करते हैं। देन ये जो प्रोग्लॉटिड्स है, ये जो सेगमेंट्स है ये 3 तरह के होते हैं, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, मेच्योर एंड ग्रेविड। जो सबसे नेक के पास वाले होते हैं वो इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, क्योंकि ये अभी तुरंत तुरंत बने हैं, ठीक है। यहाँ से सेगमेंट बन रहा है, तो ये जो नए नए सेगमेंट बने हैं दे आर इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स। देन ये, और ये जो इनका पूरा बॉडी पार्ट है दैट इज स्ट्रोबिला, ठीक है। हेड है, नेक है, और ये पूरा स्ट्रोबिला है।
जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, देन मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स। मैच्योर वाले जो होंगे ये रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये जो सेगमेंट होता है ये इनमें गैमेट्स बनेंगे और रिप्रोडक्शन होगा। ये हर्माफ्रोडाइट भी है, इट मीन्स कि इनमें टेस्टिस ओवरी दोनों एक ही सेगमेंट में प्रेजेंट हो सकता है। और सबसे आखिर में जो होते हैं वो है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं ये पूरे ओल्डेस्ट हो जाते हैं और ये पूरी तरह से फॉर्म हो जाते हैं, और इसके बाद ये क्या होते हैं, ये यहाँ से टूटना शुरू होते हैं। ठीक है, ये बॉडी के सबसे आखिरी हिस्से का पार्ट है, दैट इज़ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। ये एपोलाइसिस एक प्रोसेस है, एपोलाइसिस के जरिए ये यहाँ से डिटैच होना या टूट करके अलग हो जाते हैं स्ट्रोबिला से, और ये होस्ट के फीसिस से यानी कि ह्यूमन के फीसिस के थ्रू, स्टूल के थ्रू पास आउट होते हैं ताकि ये दूसरे इंसान तक भी अपना डिजीज़ पहुंचा सके। तो ये है टेप वॉर्म, पोर्क टेप वॉर्म, जिसकी बॉडी सेगमेंट्स में होती है और इस तरह से ये अपना यहाँ पे लाइफ साइकिल करता है। तो चलिए अभी हम इसका लाइफ साइकिल जो है वो शुरू करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम, हमने पहले ही पढ़ लिया कि लाइफ साइकिल जो है इसका डाइजेनेटिक है, क्योंकि ये दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, पिग में और ह्यूमन में। सबसे पहले ये कॉपुलेशन कहाँ पे करता है? ठीक है, तो ये कॉपुलेशन अडल्ट जहाँ पे होंगे वहीं पे करेगा। तो अडल्ट कहाँ होते हैं? ह्यूमन बींग के स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉपुलेशन करता है। इनका जो कॉपुलेशन है ये प्रोग्लॉटिड्स के बीच में होगा। ठीक है, जो सेगमेंट है इन प्रोग्लॉटिड्स, अगर दो प्रोग्लॉटिड के बीच में होगा तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और अगर एक ही प्रोग्लॉटिड में, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट है यानी कि एक ही सेगमेंट में दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी, स्पर्म और ओवा दोनों। ठीक है, स्पर्म और ओवा मिल जाएंगे बिकॉज दोनों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी टेस्टिस दोनों एक ही प्रोग्लॉटिड एक ही सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी। एक सेगमेंट अगर दूसरे सेगमेंट के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो क्रॉस, और एक ही सेगमेंट में अगर हो जाए तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आफ्टर कॉपुलेशन कहाँ पे होता है? ये टेप वर्म के फर्टिलाइजेशन डक्ट में होगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन ऑलवेज इंटरनल होता है इनकी बॉडी में, टेप वर्म में। ठीक है, अब कैप्सूल फॉर्मेशन, आफ्टर जब ये फर्टिलाइजेशन होते हैं तो जाइगॉट बनेगा। ये जो जाइगॉट होता है या एग सेल्स होता है ये फिर ऊ टाइप में पास होगा। ठीक है, ऊ टाइप जो है डक्ट इसमें पास होगा। फिर हर एक जो जाइगॉट है उसके चारों ओर दो तरह के सेल्स, यॉक सेल्स, ठीक है, विटिलाइन सेल्स जिसे कहते हैं, ये सारे चीज़ें जो है विटिलाइन ग्लैंड से सिक्रीट होंगी ओ टाइप में, और ये एग को चारों तरफ से कवर कर लेगा। ठीक है, एंड धीरे धीरे यही आगे चल के बन जाएंगे शेल जो इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसी को ही बोलते हैं कैप्सूल्स। यानी कि एग सेल्स अगर चारों तरफ से इस तरह से ग्लैंड का सिक्रीशन के थ्रू यॉक सेल्स विटिलाइन सेल्स से अगर क्लोज हो जाएं, देन इट इज़ फॉर्म कैप्सूल। कैप्सूल बन गया जाइगॉट का, अब क्या होगा? ऑन्कोस्फेयर्स बनेंगे। ऑन्कोस्फेयर में भी देखिए पहले तो क्लीवेज होना शुरू होता है। ठीक है, जाइगॉट के तुरंत बाद क्या होगा? एक से ये दो बनेंगे, क्लीवेज हो रहा है, फिर ये दो से चार बनेंगे। तो ये क्लीवेज प्रोसेस शुरू होता है जाइगॉट में। तो जब ये जो कैप्सूल है ये यूटेरस में जाएगा टेपवर्म के, तब यहाँ पे क्लीवेज होना शुरू हो जाएगा। क्लीवेज इनका होलोब्लास्टिक होता है, अनइक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहला अनइक्वल डिवीज़न होगा, एक लार्ज सेल बनेगा और एक स्मॉल, इसीलिए अनइक्वल डिवीज़न। ठीक है, लार्ज वाले सेल को बोलेंगे मेगामर। ठीक है, मेगामर, और छोटा जो सेल बनेगा उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक सेल। देखिए क्लीवेज में दो सेल बना, मेगामर और एम्ब्रियोनिक सेल। अब मॉरूला स्टेज आएगा। मॉरूला स्टेज में जो बड़े वाले मेगामर थे
वो फिर डिवाइड होंगे और बहुत सारे मेगामर्स बनाएंगे, ठीक है। और जो एम्ब्रियोनिक सेल्स थे वो क्या करेंगे, वो भी डिवाइड होंगे पर वो दो तरह के सेल्स बनाएंगे, बड़े सेल्स होंगे मेसोमर और छोटे होंगे माइक्रोमर, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक सेल से बन रहे हैं। जो माइक्रोमर्स होगा उसी को बोलेंगे मोरूला, ठीक है। माइक्रोमर्स इकट्ठा होके ऐसे राउंडली बहुत सारे सेल्स एक जगह पे हो जाएंगे, दैट इज़ मोरूला, ठीक है। और ये चारों तरफ से बड़े वाले सेल्स किससे, मेसोमर्स से घिरे हुए होंगे, ठीक है। और इसका आउटर एनवेलप बनेगा कौन, मेगामर्स, जो कि मेगामर्स बना था ना, तो कुछ इस तरह से स्टेज बनेगा। अब नेक्स्ट है हेक्सिकैंथ एंड ऑंकोस्फेयर। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, हेक्सा इट मींस कि सिक्स, ठीक है। तो क्या होगा कि वो जो मॉर्यूला स्टेज का जो था उसमें हुक्स बनेंगे, ठीक है। कितने हुक्स बन रहे हैं, थ्री पेयर, यानी कि तीन जोड़ी, एक दो तीन चार पाँच, तीन जोड़ी हुक बने, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, सिक्स, यानी कि छः हुक्स बनेगा, छः काइटिनस हुक बनेगा। इसीलिए इसे कहते हैं कौन सा स्टेज, हेक्साकैंथ, ठीक है। तो ये जो हेक्साकैंथ होता है ये हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। ये जो हेक्साकैंथ बना ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन, और कितने मेम्ब्रेन होंगे, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा। ये जो हेक्साकैंथ है ये जो स्ट्रक्चर बनता है हेक्साकैंथ और हेक्साकैंथ के दो मेम्ब्रेन, इसको ही बोलते हैं ऑंकोस्फेयर, ठीक है। इसे ऑंकोस्फेयर बोलते हैं, इस टोटल जो ये पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑंकोस्फेयर। ऑंकोस्फेयर जब बनता है तो ये जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये ग्रेविड हो जाते हैं, यानी कि मैच्योर हो जाते हैं। मैंने बताया था कि मैच्योर होने के बाद वो टूट के वहाँ से गिर जाते हैं, ठीक है, फीसिस के थ्रू, ताकि वो बाहर चले जाए। तो ये जो प्रोग्लॉटिड्स है ये ग्रेविड हो जाएंगे और इनका साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। एंड इट्स यूटेरस फॉर्म लैटरल ब्रांचेज, और ये जो प्रोग्लॉटिड के अंदर यूटेरस होगा वो बिल्कुल एक ब्रांच की तरह, ट्री का जो ब्रांच होता है उसकी तरह इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, और हर तरफ जो है इस साइड और राइट और लेफ्ट बोथ साइड में करीबन 30,000 से 40,000 ऑंकोस्फेयर यानी कि एग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हेक्साकैंथ और ऑंकोस्फेयर बनता है। अब नेक्स्ट इन्फेक्शन टू सेकेंडरी होस्ट। अब ये पिग में किस तरह से एंटर करेगा, ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये हमें पता है कि टेप वर्म के पोस्टीरियर एंड में होते हैं, ठीक है। तो ये फिर वो जो स्ट्रॉबिला है, वो जो उसकी चेन थी सेगमेंट्स की, उससे वो डिटैच हो जाएंगे एपोलाइसिस के थ्रू, वो टूट के गिर गए एंड होस्ट के फीसेस के साथ, स्टूल के साथ वो बाहर चले जाएंगे। और जो हमारा सेकेंडरी होस्ट है पिग, ये ऑंकोस्फेयर को इंजेस्ट कर लेगा, खा लेगा, ठीक है। क्योंकि पिग्स जो होते हैं वो मतलब कीचड़ में होते हैं, पेड़ पौधा कीचड़ में खाते हैं, तो वो सबसे वो कीचड़ के थ्रू कहीं ना कहीं पिग जो है वो एग्स को, ऑंकोस्फेयर्स को अपने अंदर खा लेगा। अब क्या होगा, अब ये पिग के अंदर बहुत सारा माइग्रेशन करेगा, ठीक है। पिग के अंदर ही ये इधर से उधर होगा, जैसे कि सबसे पहले ये पिग के स्टमक में गया, तो जैसे ही स्टमक में जाएगा तो स्टमक में तो बहुत सारा एसिडिक जूस होता है, ठीक है, HCl होता है। तो ये जो ऑंकोस्फेयर होगा ये अपना मेम्ब्रेन को लूज़ कर देगा, सबसे ऊपर वाला मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये जो हेक्साकैंथ था ये फ्री हो गया, ये हेक्साकैंथ फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ पे भी जो हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन्स थे वो भी लूज़ हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में अल्कलाइन जूसेस होते हैं, ठीक है। तो पिग का जो अल्कलाइन जूस है वो हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन को भी डिसॉल्व कर देगा। अब ये जो हेक्साकैंथ है बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में या लिम्फ वेसल्स में एंटर करेगा, ठीक है, वहाँ पे छेद बनाएगा और अंदर चला गया। उसके बाद ये अपना जो हुक है उसको लूज़ कर देगा, ठीक है। जैसे ही ब्लड में आया तो अब इसको हुक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लड फ्लो में आराम से यहाँ से वहाँ नदी की तरह तैरेगा, तो इसीलिए हुक की ज़रूरत नहीं, अभी इसे कोई पकड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है।
फिर क्या होगा, ये लीवर में जाएगा, ठीक है, ब्लड के थ्रू ये हिपैटिक पोर्टल वेन से होता हुआ सबसे पहले ये लीवर में गया पिग के, उसके बाद ये हार्ट में जाएगा, और सबसे आखिर जगह जो होती है इसकी वो है मसल्स, स्ट्राइप्ड मसल्स, वॉलंट्री मसल्स, जो कि नेक के पास के मसल्स है, थाई, शोल्डर के पास के जो मसल्स होते हैं वहाँ पे ये जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बनेगा, ब्लैडर वॉर्म और सिस्टिसर्कस, ये पिग के मसल्स में पहुँचने के बाद बनाता है सिस्टिसर्कस। देखिए सिस्टिसर्कस और ब्लैडर वॉर्म फॉर्मेशन, ये जो हेक्साकैंथ है जो कि अपना हुक को लूज करके फाइनली मसल्स में पहुंच गया था पिग के मसल्स में, ये वहां पे पहुंचने के बाद अपना नरिशमेंट लेगा, खाना पीना शुरू करेगा वहां पे, और साइज़ में बड़ा होता चला जाएगा। तो इससे क्या होगी, इसकी बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी बनेगी, और ये जो कैविटी होगी इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड भर जाएगा, तो ये फूलना शुरू हो गया, ठीक है। और ये जो फ्लूइड होता है ये कुछ नहीं है, ये ब्लड प्लाज्मा है, पिग का ब्लड प्लाज्मा ये एब्जॉर्ब कर लेता है और फूलना शुरू हो जाता है, इसे ही कहते हैं ब्लैडर, ठीक है। ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर बन रहा है ये है ब्लैडर। अब इसमें एक इन्वर्टेड स्कॉलेक्स बनना शुरू होगा, इसी के अंदर एक इस तरह से इन्वर्टेड अंदर की तरफ स्कॉलेक्स बनना शुरू होगा, जिसमें सकर्स होंगे, हुक्स होंगे, रोस्टेलम यानी कि हेड जो है फॉर्म होगा, ये सब चीज़ें फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो शुरुआती बनने का जो हेड का स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे प्रो स्कॉलेक्स। स्कॉलेक्स बनता है ना, तो ये अभी बन रहा है तो प्रो स्कॉलेक्स। तो ये जो स्टेज है जब ये फूल गया और एक इन्वर्टेड स्कॉलेक्स प्रोस्कॉलेक्स बन रहा है, तो ये जो स्टेज बनता है इसको ही ब्लैडर वॉर्म कहते हैं, ठीक है। और टीनिया सोलियम में जो ये ब्लैडर वॉर्म है ये सिस्टिसर्कस टाइप है, इसीलिए इसे सिस्टिसर्कस भी कहते हैं, ठीक है, कि एक ब्लैडर है और फिर यहाँ पे एक बनेगा स्कॉलेक्स, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सिस्टिसर्कस डेवलप होने के बाद अडल्ट वॉर्म बनता है, पर ये कहाँ बनेगा अडल्ट वॉर्म, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के अंदर, यानी कि ये जो ब्लैडर वॉर्म है ये पिग में बनेगा और इसका फर्दर ग्रोथ अब होने वाला है ह्यूमन बींग्स में, तो अब ये ह्यूमन बींग्स के अंदर जाएगा। ह्यूमन बींग्स ये इन्फेक्शन कैसे लेते हैं, मैन को इन्फेक्शन हो जाता है जब वो पोर्क को, मीजली पोर्क यानी कि आधा पका हुआ जो पोर्क है, ठीक है, अंडर कुक्ड पोर्क, जिसमें कि इसके ब्लैडर वॉर्म्स, इसके सिस्टिसर्कस प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर सिस्टिसर्कस वाला पोर्क हमने खा लिया तो हमें ये इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये जो सिस्टिसर्कस है ये एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही ये ह्यूमन बींग के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोस्कॉलेक्स था, ठीक है, जो अंदर की तरफ था, ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा और यहाँ से फिर सेगमेंट बनना शुरू हो जाएगा, तो इस तरह से ये बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और हमें पता है कि हमेशा कहाँ से प्रोलिफरेशन होता है, नेक के एरिया से, नेक से ही नए नए सेगमेंट बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन है। तो ये जो प्रोस्कॉलेक्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये इंटेस्टाइन के वॉल में हुक जो होता है वो फंसा लेंगे और ग्रोथ करना अपना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो ब्लैडर है ये धीरे धीरे हट जाएगा क्योंकि ब्लैडर का काम नहीं है, और ये आराम से ये सेगमेंट वाला टेप वर्म बन के रेडी हो जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन ह्यूमन बींग्स में। और 10 से 12 हफ्तों में ये एकदम अडल्ट बन जाएगा, एकदम बड़ा सा बन जाएगा, और फिर इसमें ग्रेविट प्रोग्लॉटिड्स बनेंगे, फिर ये जो ग्रेविट प्रोग्लॉटिड्स है ये एपोलाइसिस के थ्रू फीसिस में चले जाएंगे, फिर ये पिग में जाएगा, फिर ये ह्यूमन में जाएगा, इस तरह से जो इसका साइकिल है वो चलता रहता है। ये जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, ये करीबन 850 और मोर हो सकते हैं, तो आप सोचो कितने सारे ग्रेविट प्रोग्लॉटिड्स होंगे जो कि ब्रेक डाउन होंगे और स्प्रेड होंगे जगह जगह पर। यही डिजीज़ है टेनियासिस,
ठीक है, टेनिया सोलियम से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं टेनियासिस। ये यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल बनाया है टेनिया सोलियम का। ठीक है, देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पे ये अडल्ट बनता है। तो जो अडल्ट टेप वॉर्म होते हैं यहाँ पे कॉप्यूलेशन होगा, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसके बाद जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होंगे वो क्या होंगे, एपोलाइसिस होगा और ये सेगमेंट जो है डिटैच होके ये फीसिस के थ्रू, ठीक है, स्टूल के थ्रू ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्टूल में आने के बाद देखिए बताया गया था कि यूटेरस जो है वो बिल्कुल ब्रांच हो जाएगा और इसमें बहुत सारे एग्स होंगे यानी कि ऑन्कोस्फेयर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। अब ये जो ऑन्कोस्फेयर्स है इसे पिग ने इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, ये चला गया पिग के इंटेस्टाइन में। पिग के इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमने देखा था कि स्टमक में किस तरह से इसका मेम्ब्रेन लूज होगा और फिर इंटेस्टाइन में अल्कलाइन जूसेस से ये पूरा फ्री हो जाएगा। फिर ये जो फ्री हेक्साकैंथ है, ठीक है, जो पिग के ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करेगा और उसके बाद ये लिवर में और हार्ट से होता हुआ चला जाएगा फाइनली मसल्स में। ठीक है, देखिए ये हेक्साकैंथ में कितने होंगे हुक, 6 होंगे टोटल, ठीक है, 6 हुक से। तो ये जो हेक्साकैंथ है ये चला गया इसके मसल्स में, पिग के मसल्स में, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिस्टिसर्कस। अब सिस्टिसर्कस बनने के बाद ये वेट करेगा कि कब हम ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करें। अब जैसे ही ये ह्यूमन बीइंग खाता है मीजली पोर्क जिसमें ये सिस्टिसर्कस प्रेजेंट होगा, तो ये सिस्टिसर्कस फिर इसके इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, और ये जो सिस्टिसर्कस था ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू होगा। ठीक है, तो ये जो इसका प्रोस्कॉलेक्स बन रहा था ये धीरे धीरे क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा और बनते बनते ये फाइनली बन जाएगा अडल्ट टेप वॉर्म। फिर ये अडल्ट टेप वॉर्म फिर से अपना ग्रेविड प्रोग्लॉटिड रिलीज करेगा और इस तरह से ये जो साइकिल है, ठीक है, ये चलता रहेगा। तो यही है हमारा लाइफ साइकिल टेप वॉर्म का। देखिए ये जो डिज़ीज़ है टेनियासिस डिज़ीज़, ठीक है, सिस्टिसर्कोसिस भी, ये सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका क्या बीमारी का सिम्टम्स आता है, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसे किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप सभी वो वीडियो को जा करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने देखा टेनिया सोलियम जो कि एक टेप वॉर्म है जिसे पोर्क टेप वॉर्म भी कहते हैं, किस तरह से ह्यूमन बीइंग में और पिग में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। फिर यहाँ पे हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देखी कि ये किस तरह से दिखता है, इसकी बॉडी पूरी सेगमेंट में जिसे प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, इसका हेड होता है स्कॉलेक्स, देन नेक रीजन, और ये स्ट्रॉबिला इसकी पूरी बॉडी होती है जिसमें 3 तरह के प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, इमेच्योर, मेच्योर एंड ग्रेविड। फिर इसका लाइफ साइकिल शुरू किया कि इसका कॉप्यूलेशन कहाँ होता है, कॉप्यूलेशन होने के बाद जाइगॉट में एक कैप्सूल बनता है और फिर ऑन्कोस्फेयर बनेगा, ठीक है, ऑन्कोस्फेयर हेक्साकैंथ बनते हैं। फिर हमने देखा ये हेक्साकैंथ बनने के बाद ये जो पिग है, पिग इसे किस तरह से कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, उसके बाद ये किस तरह से पिग के अंदर माइग्रेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फाइनली ये मसल्स में पहुंच के बनाता है सिस्टिसर्कस और ब्लैडर वॉर्म। और ब्लैडर वॉर्म बनने के बाद फिर ये ह्यूमन बीइंग्स में एंटर करेगा और ताकि ये फर्दर अपना डेवलपमेंट कर सके और अडल्ट बन सके। ये है लाइफ साइकिल का डायग्राम, ठीक है, मैन का और पिग के अंदर ये किस तरह से अपना डेवलपमेंट करता है। तो दोस्तों यही है आज का टॉपिक, इसके आगे की जितने टॉपिक्स हैं मैं करवा दूँगी। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।